हेलो फ्रेंड्स uh, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं वो एनोमलस जीमान इफेक्ट अफेक्ट है लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नॉर्मल जीमान इफेक्ट अफेक्ट और उनके सपोर्टिंग फिजिकल कंसेप्ट सम फिजिकल कंसेप्ट जो सपोर्ट करते हैं इस टॉपिक को उसकी इंफॉर्मेशन क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वैक्टर एटम मॉडल एंड दिलेक्शन रूल तो यहाँ इस जो टॉपिक है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नॉर्मल जो आपका जिमान अफेक्ट एक्सप्लेन हुआ था वो क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हो चुका था जिसको आप लॉरेंज क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं सेकेंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो इंटर मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ द एटम उसका जो ऑर्डर है वो वन टेस्ला के आसपास है और ये जो वन टेस्ला है ये एक्चुअली एन ई इक्वल टू टू इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन के लिए है और इसकी कैलकुलेशन मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करूंगा राइट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर वीक है और बिकॉज ऑफ दैट रीजन एलेस कपलिंग जो है वो अफेक्टिव हुई है जिसको समटाइम्स यू कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन राइट ये जो अफेक्ट है एनोम जो जीवान अफेक्ट है इसको आप जो ओव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आइटम हैं जैसे कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम ये जो इस टाइप के आइटम है वहां पर ऑब्जर्व करते हैं वेक्टर एटम मॉडल के थ्रू आपको पता लगेगा कि एल एस और जे किस तरीके से प्रीसेस करते हैं एंड देन द लास्ट जो कि स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ दी जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है राइट right, यहाँ पर हम एक कंक्लूजन आपको शो करेंगे कि जो म्यू है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है ऑफ द एटम दैट इज नॉट एंटी पैरल टू जे राइट यहाँ क्या है कि म्यू जो है वो प्रिसेस करता है अबाउट टू दी जे तो अभी जो मेन कंसर्न है इस टॉपिक का वो ये है कि हाउ टू इव्युएट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ये आइडिया आपको लास्ट जो वीडियो है वहां से क्लियर हो चुका होगा यहाँ थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और इसमें आप कोई मैग्नेटिक डायपोल रखते हैं तो वो क्या होगा राइट right? तो इधर ये नॉर्थ होता है और इस साइड में साउथ तो यहाँ ये रिपेल करेगा ये साइड को तो ये इस साइड को तो टॉर्क तो लगेगा और मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डाइपोल को जो मैग्नेटिक डायपोल है उसको ऐसे घुमाने का ट्राई करेगा तो हाउ मच बेसिकली वर्क इज डन बाई दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस मैग्नेटिक डाइपोल उसको हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में डिफाइन करेंगे तो ये ही कंसेप्ट है और इससे पहले मैं आपको यहाँ पर अभी बता दूँ अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल है एक्चुअली ये वन एटम के इक्वलेंट है इस टॉपिक में यहाँ वन एटम को जब हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या अफेक्ट होंगे उसी चीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और वो यहां स्टडी किया है नॉर्मल जीमान अफेक्ट और एनोमलेस जीमान अफेक्ट में स्पेक्ट्रल लाइंस के थ्रू राइट right, तो हम लोग फोकस करते हैं इसके डेरिवेशन पर सबसे पहले तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो यूज किया है माइनस म्यू जे डॉट बी जैसे कि ऑर्बिटल के, के केस में आपने म्यू एल डॉट बी लिखा था तो यहां पर हम लोग टोटल एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मिन ऑर्बिट इंट्रेक्शन सो दिस इज डेल्टा ई e जो हुआ वो होगा माइनस म्यू जे डॉट बी तो यहाँ एक पॉइंट है कि एक हम लोगों को पहले डिफाइन करना होगा कि म्यू जे क्या है म्यू जे की वैल्यू क्या आएगी राइट एंड देन आफ्टर जो स्केलर प्रोडक्ट है बिटवीन दी जो रिजल्ट आएगा ऑफ म्यू जे तो वहां पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि जे जो है वो वेक्टर सम है ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड स्पिन जो एंगुलर मोमेंटम डाइपोल मोमेंट है राइट right? तो इन दो का सम है म्यू जे जिसको हम यहाँ अगर सेपरेटली देखते हैं म्यू एल की वैल्यू तो वो होगी माइनस म्यू बी अपॉन एच क्रोस इन टू वैक्टर एल और म्यू एस के केस में क्या होगा कि इसको टू एस से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट आएगा माइनस बी अपॉन एच क्रोस एल प्लस टू एस राइट right? तो इस पॉइंट पे एक आपको क्लियर हो चुका होगा कि म्यू जे जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है ऑफ द एटम वो एंटी पैराल नहीं है टू दी जे ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है जे क्या होगा एल प्लस एस होगा लेकिन यहाँ पर क्या है एल प्लस टू एस है तो इसलिए ये म्यू जे एंटी पैराल नहीं है जे के जैसा कि पहले केस में आप म्यू एल के केस में देखते हैं कि एल के एंटी पैराल है राइट right? एस जो है म्यू एस जो है वो एस के एंटी पैराल है लेकिन म्यू जे उसके जे के एंटी पैराल नहीं है उसका रीजन क्या है सम ऑफ दीज टू एल प्लस टू एस है एल प्लस एस नहीं है तो उसका रीजन ये है तो हमको क्या करना है यहां तो ये यह जो फैक्टर है इसको सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले तो एल प्लस टू एस को हम यहाँ क्वांटम मैकेनिकली राइट लिख सकते हैं जी स्मॉल जी कैपिटल जे ये वेक्टर है तो एल प्लस जे की जगह हमने लिख दिया है स्मॉल जी और ये कैपिटल जे स्मॉल जी को लैंडेड जी फैक्टर बोलते हैं तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला क्या है ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा लेकिन यहाँ अब क्या करते हैं इस स्टेप के बाद में आप स्केलर प्रोडक्ट लेंगे विथ जे तो जे डॉट और ये एल प्लस टू एस तो यहाँ पर रिजल्ट लिख देंगे इसको एक्सपेंड करके टू एस ये सिंप्लीफाई कर दिया है थोड़ा सा टू एस को आप एस प्लस एस लिख देंगे तो ये जो एल प्लस एस है ये जे हो जाएगा और जे का जब जे के साथ में स्केलर प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा वो जे स्क्वायर हो जाएगा और इस जे का जब इस एस के साथ में स्केलर प्रोडक्ट होगा तो वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो यहां ये जो जे डॉट जी जे इस साइड में लिखा तो वो राइट हैंड साइड की स्केलर प्रोडक्ट है विद दी जे क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट जो जे का लिया है वो दोनों साइड में लिया है इस साइड भी और इस साइड भी तो इस साइड जब राइट हैंड साइड में लेंगे तो जे डॉट जे हो जाएगा जे स्क्वायर तो यहां से आपको लेफ्ट हैंड साइड मिला है और ये आपको इस साइड में राइट हैंड साइड मिला है तो पहले पॉइंट पे तो ये कैलकुलेशन का एक पार्ट है होप कि आपको इसका आइडिया हुआ होगा तो नेक्स्ट पॉइंट पे अभी देखते हैं यहां वी नो कि भाई एल प्लस एस जो होगा हो वो जे के इक्वल होगा राइट तो एल की जो वैल्यू है हम वो डिफाइन कर सकते हैं जे माइनस के थ्रू तो अब क्या किया है इस पार्ट पे ये वेक्टर ही है तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं बहुत साइड तो ये इसका स्क्वायर किया तो एल स्क्वायर आया जे माइनस का स्क्वायर करेंगे आप तो जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस टू जे डॉट एस ये मिलेगा और यहाँ से अगर टू जे डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड एट द लास्ट जे डॉट एस इज इक्वल टू दिस वन तो जे डॉट एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने इस अप्रोच को यूज किया है जे डॉट एस हमको कहाँ मिला था ये लास्ट की इक्वेशन में मिला था जब हमने स्केलर प्रोडक्ट ले लिया था एल प्लस टू एस के साथ में जे का राइट तो इसकी वैल्यू जो है जे डोट एस की यहां से हम पुट कर सकते हैं और वो हम लोगों ने यहाँ से पुट कर दिया है तो जे स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म और जे डोट एस की वैल्यू ये टोटल ओवरऑल राइट ये एंड जी जे स्क्वायर तो अब ये सेकंड पार्ट था और आई होप कि इसमें भी आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अभी ये केवल म्यू जे को सिंप्लीफाई करने का ही प्रोसेस चला है अब नेक्स्ट यहाँ करेंगे जो वैल्यूज हमने लिखी है अभी पहली इक्वेशन में इस इक्वेशन में यहाँ पर ये यह जो जे स्क्वायर में आपको दिखा रहा था और एस स्क्वायर एल स्क्वायर जे स्क्वायर राइट ये तो इनका क्वांटम मैकेनिकली एवरेज ले लेते हैं बोथ साइड तो यहाँ इसको जे स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे जे जे प्लस वन एच क्योंकि अभी आपको पता होगा कि जे जो है उसको जब हम लिखते हैं तो वो जे जे प्लस वन और ये स्क्वायर रूट एच ऐसे लिखते हैं इसका जो स्क्वायर होगा तो वो यहाँ से ये वैल्यू मिलेगी आपको और इसका स्क्वायर तो वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है ऐसे ही आपका एस का और एल का लिखा है राइट नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करना है कि यहाँ से हम लोग ये पूरा फैक्टर जो है कॉमन ले लेते हैं जे जे प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर इस साइड से भी और इस साइड से भी जब इधर ये पूरा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर वन बचेगा वो ये रखा हुआ है और इस सेकंड टर्म से जब कॉमन लेंगे तो वहाँ पर ये जे जे प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर आएगा एच क्रॉस स्क्वायर यहाँ पर है तो वो उस एच क्रॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में केवल ये टर्म बचेगी इसमें अगर ये पॉइंट कोई क्लियर नहीं हुआ है आपको तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसा कि वेबसाइट पर इसका मैथमेटिकल और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन गिवन है आप वो विद रिटर्न स्टेटमेंट तो जो कुछ मैं बोल रहा हूँ तो वहां पर वो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है सो so, यहाँ से इस टाइप से आप ये जी की वैल्यू आप डिटरमाइन कर लेंगे उसको आप फार्मूला जनरेट कर लेंगे तो जी इज इक्वल टू वन प्लस ये जे जे प्लस वन प्लस एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन डिवाइडेड बाई टू जे जे प्लस वन वेयर एल एस एंड जे स्टैंड फॉर दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड दी टोटल एंगुलर मोमेंटम नॉट दी पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोगों ने अभी डिफाइन की थी और जिसमें सबसे पहले पार्ट था म्यू जे का कि उसको हम लोग क्लियर कर लें इन टर्म्स ऑफ दर्म में तो वो अब यहां पर हम लोगों के पास में फॉर्मूला अवेलेबल है इस फॉर्म में म्यू जे अभी आप देख चुके थे कि वो फॉर्मूला कैसे रखा था म्यू बी जी अपोन एच क्रोस जे तो ये जो वैल्यू आई है अभी हम लोगों के पास में म्यू जे की वो ये अवेलेबल है राइट और जब यहाँ पर इसकी म्यूजे की वैल्यू रखेंगे तो वो सब सिम्प्लीफिकेशन के बाद में रिजल्ट हमको ये पॉजिटिव मिलेगा आ, अगर आपको ये मेरे साथ में चल पा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन अगर थोड़ा सा मिसमैच हुआ है तो फिर आप देख सकते हैं म्यू जे इज इक्वल टू माइनस ये आया था और ये माइनस जब आप यहाँ रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा म्यू बी अपॉन एच क्रॉस पहले से ही है एल प्लस टू एस की वैल्यू हम लोग अभी ऐसे ही निकाल रहे हैं तो यहाँ रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है म्यू बी एच क्रोस एज इट इज और ये स्मॉल जी जे डोट बी तो इस तरीके से ये जी की वैल्यू फाइंड आउट की है और उसके बाद में ये हम लोग जी जे इन कंप्लीट वे जो राइट हैंड साइड थी उस पर में लिख दिया है डॉट बी अब जे डोट बी यहाँ पर जो इंट्रेक्शन है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम विद द मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करना है और यही यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो इस फॉर्मूले के थ्रू आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये मैं आपको पहले दिखा दूँ उससे पहले कि थोड़ा सा ऐसा ये माइंड में आप कंसेप्ट डाल लीजिए कि जे डोट बी जो इंट्रैक्शन है स्केलर प्रोडक्ट है बिटवीन जे टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड द इंटरनल जो मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू एल एंड एस तो उसको आप ए डॉट बीज कोस थीटा जैसे लिखते हैं उसी फोर में लिखा है थीटा की जो एंगल है इन बिटवीन जे डॉट बी उसको मेंशन किया है और इसकी जो थीटा की वैल्यू है उसको लिखा है जे जेड अपॉन कैपिटल जे तो ये जे जेड क्या है और कैपिटल जे क्या है ये जो नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर आएगी इसके थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूंगा तो ये जे जेड एक्चुअली यहाँ पहले मैं उसी पिक्चर को आपको क्लियर कर दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा ये वेक्टर एटम मॉडल है और इस वेक्टर एटम मॉडल में क्या है कि एल और एस ये सब कुछ शो किए हैं इसको आप वेक्टर एटम मॉडल बोलते हैं यहाँ ये देखिए कि मैग्नेटिक जो फील्ड डायरेक्शन है वो अलॉन्ग जेड डायरेक्शन अप्लाई किया हुआ है ये आपका पर्पल uh, कलर में जो वेक्टर है ये स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को शो करता है और ये इस तरीके से प्रिसेस करता है अबाउट दी जे राइट यहाँ ये एल है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये भी जे के अबाउट प्रिसेस करता है राइट right? इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको लेकिन जो जे है टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो यहाँ इस जेड डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अबाउट जो है प्रेसेस करता है घूमता है तो यहाँ हम लोग अभी बात कर रहे थे जे जेड की तो जे जेड क्या है एक्चुअली ये जो वेक्टर जे है इसका जब आप प्रोजेक्शन लेंगे ऑन जेड एक्सिस उसको जे जेड बोलते हैं राइट तो जे जेड आपका ये लेंथ है यहां से लेके सेंटर से लेके और इस पॉइंट तक जे जेड है और ये वेक्टर जे है राइट तो वेक्टर एटम मॉडल में जब एंगल होगा इन दो के बीच का तो वो थीटा हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो यहाँ जो कोर्स जे डॉट बी डिफाइन किया है दैट इज इक्वल टू जे जेड अपॉन कैपिटल जे तो जब इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो वो हो जाएगा जे जेड अपॉन जे जे बी ऑलरेडी है सो so दिस से ये जे कैंसिल हो जाएगा यू हैव ओनली दिस बी जे जेड सो जे डे बी की जगह आप लिखेंगे बी जे जेड और क्वांटम मैकेनिकली जे जेड क्या है बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम अलोंग द देड डायरेक्शन है जिसको हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू एम जे तो स्पेस क्वांटाइजेशन में भी आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा तो वो हाईलाइट किया है पोर्शन तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू है तो वहां पर वो हाइपरलिंक किया है तो उसके थ्रू भी देख सकते हैं तो एमजे की जो वैल्यू है एक्चुअली वेरी करती हैं फ्रॉम माइनस जे टू प्लस जे और ये जो टोटल वैल्यूज होंगी ये ऑलवेज टू जे प्लस वन होंगी तो अगर इसका मतलब क्या है कि आपका जे अगर वन बाई टू है ये मिनिमम वैल्यू है तो टोटल जो स्टेट्स होंगी वो कितनी होंगी टू मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू वन प्लस वन वो टू होंगी राइट right? तो ये टू स्टेट्स होंगी कोरस्पोंडिंग टू जे इज इक्वल टू वन बाई टू राइट और जे क्या है जे है एल प्लस माइनस एस राइट तो यहां जे जेड की वैल्यू जो है एम जे एच क्रोस उसको हम पुट कर देंगे और जब डेल्टा ई e का ये फार्मूला था जहां एच क्रोस यहाँ पे आप देख रहे हैं जब जे जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो उससे ये एच क्रोस कैंसिल हो जाएगा ये यह यहाँ पे है ओनली एमजे आपके पास बचेगा तो वो एम जे ये है बी जे जेड की जगह एम जे एच क्रोस एच क्रोस से ये एच क्रोस कैंसिल आउट सो अभी जो डेल्टा ई आपके पास में बचेगा वो होगा म्यू बी स्मॉल जी और ये कैपिटल बी जो मैग्नेटिक फील्ड है इन साइड द्वान फोर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जे सो डेल्टा ही जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली वो डिपेंड करती है डायरेक्टली ऑन द वैल्यू ऑफ जे राइट यहां म्यू बी जो बोर मैग्नेट टोन है जी एंड जी फैक्टर है डिपेंड्स ऑन दैल्यू ऑफ एल एस एंड जे बी उस एटम के लिए कॉन्स्टेंट रहेगा उस पर्टिकुलर स्टेट में और यहाँ अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अब इसको यूज कैसे करना है जो डेल्टा ई e है एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी है एक्वायर्ड बाय एटम इन दिन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड राइट तो आप देखिए कि सिंपली हम जो ट्रांजिशन शो करते हैं एमिशन ऑफ द रेडिएशन शो करते हैं वो इस पे में करते हैं कि ई टू हायर स्टेट है और ई वन ग्राउंड स्टेट है जब एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड uh, स्टेट में बाय एब्जॉर्बिंग दी एनर्जी जाता है तो वहाँ कुछ देर के लिए रुकता है उसको उसका लाइफ टाइम बोलते हैं इन जनरल ये टेन रेज पावर माइनस एट सेकेंड होगा या इसके पास होगा देन आफ्टर इट जंप्स इनटू द ग्राउंड स्टेट और एक फोटोन एमिट करता है तो यहाँ E2 टू माइनस ई वन न्यू जो है वो इन दबसेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है या इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां H new आप define करते हैं इ टू माइनस इ वन तो न्यू क्या है न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है हमको क्या करना है जो स्पेक्ट्रल लाइन आपको दिखाई पड़ती हैं ये जो फोटोन आया है इसके कोरोस्पो जो आपको एक वे, 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 वेवलेंथ दिखाई पड़ती है या कलर दिखाई पड़ता है राइट तो उसको हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि ये एक पार्ट या तीन पार्ट में या ज्यादा से ज्यादा कैसे टूटता है तो एनोमलेस जीमान इफेक्ट में क्या होता है कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है इनकी बैकग्राउंड में क्या है एक्चुअली ये रेडिएशन है तो ये रेडिएशन कहाँ कहाँ और किन स्टेट से आ रहा है तो जब मैं बोल रहा हूँ कि बीज इक्वल टू जीरो है तो जनरली हम एनर्जी जो एक्साइटेड स्टेट की है और जो ग्राउंड स्टेट की है उनके डिफरेंस से इस न्यू को फाइंड आउट कर लेंगे लेकिन जब प्रजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हुआ है तब हमने देखा है कि एटम के पास में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है और वो एनर्जी कितनी है डेल्टा ई है तो ये डेल्टा ई एक्चुअली एड हो जाएगी जो नॉर्मली आपकी एनर्जी थी ग्राउंड स्टेट की उसमें भी और जो एक्साइटेड स्टेट पहले थी उसमें भी राइट तो अब यहां इनको इनिशियल और फाइनल स्टेट के थ्रू डिफाइन किया है अब ये मैं आपको बोल ही चुका हूँ और ये मैं जब आपको बोल रहा था यहाँ पर अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो म्यू जे ये आपका ये है ये लाइन ये जे है और ये म्यू जे है राइट और यहाँ ये जो म्यू है यहाँ इसको आप कन्फ्यूजन मत करना ये म्यू एल प्लस म्यू एस का रिलेशन है जो अभी हम लोग उसमें ड्राइव कर रहे थे <coughs> तो म्यू एस ये है और म्यू एल ये है तो इन दो का जो रिजल्टेंट है वो ये है ये लाइन और म्यू एक्चुअल में तो क्या होगा होना चाहिए था इस जे के एंटी पैरेलल होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है इस केस में एनोमलेस जी मान अफेक्ट में यहाँ पर ये वैल्यू है वो वैल्यू जो है उसके एंटी पैरेलल है लेकिन हम लोगों को कंट्रीब्यूशन इसका लेना है राइट तो ई आई और जो फाइनल स्टेट है तो उसको हम आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ई e की वैल्यू पुट कर दी है और यहाँ जी आई जो है अकॉर्डिंग टू दी जो स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इसमें एल एस एंड जे है राइट तो उस स्टेट के लिए एल की वैल्यू कितनी है एस की वैल्यू कितनी है जे की वैल्यू कितनी है ये मैटर करता है तो इनिशियल स्टेट में जी आई की वैल्यू कितनी है फाइनल स्टेट में जी आई जी की वैल्यू कितनी है ये एल एस और जे डिसाइड करते हैं सिमिलरली एम जे एम जे भी वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द इनिशियल और फाइनल स्टेट क्योंकि इनिशियल स्टेट का जे कुछ और होगा और जो फाइनल स्टेट है उसका जे कुछ और होगा राइट तो वहां से जो जे की वैल्यू होगी वो एमजे डिसाइड करेगी तो इसलिए एमजे यहाँ इस वे में डिनोट किया है एम जे फाइनल के लिए एमजे इनिशियल के लिए स्मॉल जी लैंड जी फैक्टर फॉर फाइनल स्टेट के लिए और फोर इनिशियल स्टेट के लिए अगर इन दो स्टेट का आप डिफरेंस फाइंड आउट करें तो उसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं और यहां ई एफ माइनस ई आई जो अब इन द्रजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू आएगी वो डिफरेंट होगी फ्रॉम दी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो ये थी लेकिन उसमें क्या हुआ ये फ्रीक्वेंसी का पार्ट एड हुआ है म्यू बी बी इन टू दिस वन राइट right? तो ये टू दी फ्रीक्वेंसी इसकी यूनिट है तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो एनोमलेस में जो स्पेक्ट्रल लाइन आपके ब्रेक होंगे वो डिपेंड करते हैं कि उन स्टेट्स की जो एल वैल्यू है एस वैल्यू है जे वैल्यू है वो कितनी है और ट्रांजिशन किन स्टेट के बीच में होगा उसके लिए जो सिलेक्शन रूल है वो डेल्टा एमजे इज इक्वल टू जो होना चाहिए एमजे का जो डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द टू स्टेट वो या तो जीरो हो या प्लस माइनस वन हो उन्हीं स्टेट के बीच में ट्रांजिशन जो होगा अलाउड होगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एम जे भी जीरो हो और दूसरी स्टेट का एम जे भी जीरो हो तो उनके बीच ट्रांजिशन हो जाएगा ये अलाउड नहीं है तो ये सिलेक्शन रूल है फॉर दी एनोमलेस जीमान इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई एग्जाम्पल लेके आपको सोडियम का या कोई दूसरे एटम का तो वो एक्सप्लेन करूँगा कि एनोमलेस जीमान इफेक्ट को हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं और किस तरीके से वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको एक्सप्लेन करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रल लाइन जो वो रेडिएशन है जो उनकी वेवलेंथ है या उसके कोरस्पॉन्ड जो कलर है किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट या डिफरेंट लाइन में दिखाई पड़ता है अगर आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करते हैं राइट right? तो इसी के साथ में थैंक यू और अगर आपका कोई क्वेश्चन uh, है तो यू कैन आस्क अगर आपको वीडियो uh, थोड़ा मैं इसमें एक्सप्लेनेशन में जल्दी में रहा हूँ uh, क्योंकि लेंथी टॉपिक था एक्सप्लेनेशन के लिए लेकिन आप विजिट कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ये जो ब्लॉग है अपनी फिजिक्स डॉट कॉम और यहाँ पर जो एनोमलेस जीमान अफेक्ट है उसको आप रीड कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल और उसके पास में ये जो आइकन कुछ इस टाइप से है तो आप उसको बजा दीजिए तो आपके जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वीडियो के वो आपको मिलते रहेंगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं आप मुझको सजेस्ट कर सकते हैं कोई फर्दर वीडियो अगर आप इस एंड तक पहुँच पाए हैं ओनली देन राइट सो थैंक्स फॉर योर टाइम